हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी बाना हिल से दोबारा आपको वेलकम करते हैं। सन वर्ल्ड बाना हिल जो लास्ट पार्ट में हम लोग दिखाए थे, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम बाना हिल का सेकंड स्टेज में है। इसका फर्स्ट स्टेज करने के बाद हम सेकंड स्टेज में आए थे, सेकंड स्टेज में है। अभी एंजॉय कीजिए सेकंड स्टेज, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी है। देखते रहिए। दिन भर बारिश से आँख मिचौली हमारा चलता रहा है। अभी कुछ देर बारिश होने के बाद फिर वापस, अभी बारिश आ गया था, अभी फिर थोड़ा सा बारिश रुका है, तो बाहर आए हैं। तो अभी सामने हम लोग देखते हैं क्या क्या है। अभी फिर बारिश आने का चांस तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर फॉग भी आ गया। यहाँ पर बाना हिल्स पे कुछ होटल्स वगैरह भी बना हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ ठहर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल थोड़ा एक्सपेंसिव है और आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होटल में रहने से आप यहाँ पे नाइट में भी इंजॉय कर सकते हैं।
यह भी बहुत ही हिल का ऊपर बहुत ही बड़ा बना हुआ है ये जो अम्यूजमेंट पार्क है, तो आपको चलने का ताकत भी चाहिए। हम तो भाई हाँफ गए, नीचे ऊपर आपको ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ जब भी आए थोड़ा टाइम लेके आए आराम से, और अपना फैमिली को भी लेके आएंगे, बच्चे लोग बहुत ही अच्छा एंजॉय करेगा। ये एंजॉय करने का जगह बहुत अच्छा है, बच्चे लोग के लिए तो बहुत कुछ है, बड़े भी तो एंजॉय कर ही सकते हैं। अब ये हिल के ऊपर एक पगोडा टाइप का बना हुआ है जो कि क्लाइम करके पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही हाँफ चुका हूँ, तो आप नीचे से ही उसका नज़ारा देखिए।
फ्रेंड्स अभी हम रोपवे में ही हैं, अभी हम मनाइल से नीचे आ गए हैं, अभी बाहर निकल जाएंगे। आज बारिश अभी भी हो रहा है, अभी हमको फॉल भी देखने को मिला, एक वाटरफॉल देखिए हमारे पीछे ही है वाटरफॉल। ये बाना हिल्स वाटरफॉल्स है। फ्रेंड्स हम अपना बाना हिल सन वर्ल्ड का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी हम वियतनाम में बने हुए हैं, वियतनाम का और भी नया वीडियो आएगा, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाना हिल से बाय बाय।